यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ ईच एंड एवरी मोमेंट। आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना होगा अपने आप को, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल। यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पैरे तले रोते हुए आगे निकल जाएगी। यहाँ तक कि आपने ये देखा है कि जो iOS होता है, आईफोन जो आपका है, वो हर दो महीने बाद अपग्रेड होता है। हर दो महीने बाद एक नया अपग्रेड आ जाता है। जो पुराना वर्जन था वही आपको केवल बड़े मुश्किल से 5% समझ में आता है, 95% नहीं समझ में आता है, फिर भी वो दो महीने बाद अपग्रेड होकर नया वर्जन आता है। आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई सा भी फोन यूज करते हैं, वो भी अपग्रेड होता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमेशा चेंज करते रहना होगा अपने आप को यदि संसार में सर्वाइव करना है तो। यदि आप अपग्रेड नहीं करते हैं, यानी आप डाउनग्रेड हो रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास किसी भी फील्ड में ईच एंड एवरी फील्ड, लोग आपको कहते हुए मिलेंगे मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का। एक्सपीरियंस उनको 2, 4, 5, 6, 10 साल का नहीं होगा। जो आज सीखे होते हैं अगले साल बोलते मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद बोलेंगे 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद बोलेंगे 4 साल का, 5 साल का, उसी एक सेम चीज को बोलते रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, जो IIT का टॉपर होता है या बोर्ड का टॉपर होता है, अपने लाइफ में बहुत बेटर करते हुए आपने बहुत कम को पाया होगा। बस रीजन यही है, वो IIT में टॉप करके चला जाता है, फिर वहां पे उसको लगने लगता है यार मुझे तो आता है, मैं तो टॉपर हूं, अपने आप को डाउनग्रेड करना शुरू कर देता है, अपग्रेड नहीं करता है। बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, संसार बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, उसके साथ अपने आप को बदलना है। हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा, इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, जो भी नई चीजें आ रही उसको सीखते रहना पड़ेगा। आप बिजनेस फील्ड में होते हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, आपको प्रमोशन इसी वजह से नहीं मिलती है बिकॉज आप ग्रेड नहीं करते अपने आप को। तो ईच एंड एवरी मोमेंट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। वो पानी, जो पानी एक जगह ठहर जाता है, रुका हुआ होता है, उसमें बदबू आने लगती है, मच्छर बैठने लगते हैं, बीमारियों का घर बन जाता है। पानी ही तो था, अभी उम्मीद करे मेरे अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है उस पानी से खुशबू आ जाए। बिकॉज वो मूव नहीं कर रहा, वो चल नहीं रहा, एक जगह पे रुका हुआ था, ठहर गया था, मच्छर बैठे बहुत सारी बीमारियों का जन्म दे दिया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। समटाइम्स योर एक्सपीरियंस कैन बिकम बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर योर सेल्फ। एक बार मैं फिर से इस लाइन को बोलूंगा, बहुत बार तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बिगेस्ट डिसएडवांटेज हो सकता है। आप अपने आप को यदि अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट। तो आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज मैंने आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई, बस मैंने यही बताया अपग्रेड करते रहना है तो अपने आप को अपग्रेड करते रहो। यदि आपको ये मेरी बातें आपकी पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली मॉर्निंग 9 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।